प्रभु यीशु को जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाता है तो उसकी दोनों तरफ दो अपराधियों को भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है। उनमें से एक प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखता है और उसे चैलेंज करता है कि क्या तू मसीह नहीं है? तो वही मसीह है जो चमत्कार करते आया है, तो एक और चमत्कार कर दे, डू अस अ मिरेकल। लेकिन जो दूसरा अपराधी है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तू ये बोल क्या रहा है? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, बिकॉज वी डिजर्व इट, हम डिजर्व करते हैं, हम इस लायक हैं कि हमें क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। लेकिन ये जिसे तू चैलेंज करता कर रहा है, ये तो कोई भी सजा के योग्य नहीं है, किसी सजा के लायक नहीं है। तो वो उसके सामने रिक्वेस्ट करता है, वो उसके सामने उसकी मर्सी को चाहता है। वो जानता है कि हम डिजर्व नहीं करते हैं, वो जानता है कि हम डिजर्व करते नहीं है कि हमारे लिए कुछ चमत्कार हो, कि हम इस क्रूस से नीचे उतार दिए जाएं। हम डिजर्व यही करते हैं कि हम यहीं पर मरें, यहीं पर खत्म हो। लेकिन वो अपने आप को हम्बल करता है, अपने आप को नम्र करता है और कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो प्लीज मेरी सुधि लेना। उसने विश्वास किया मसीह यीशु के ऊपर कि यस, ये वही है जो होने का इसने दावा किया है। ही इज अ सिनलेस ह्यूमन बीइंग, ये पाप रहित इंसान है। और इस कारण उसके ऊपर विश्वास करते हुए कहता है कि जब तो अपने राज्य में आएगा तो मुझे याद करना, मेरी सुधि लेना। इस इंसान ने बपतिस्मा नहीं लिया, इस इंसान ने कोई चर्च की अटेंडेंस नहीं ली, इस इंसान ने किसी भी तरह के किसी भी कम्युनियन का हिस्सा नहीं बना, इस इंसान ने कोई भी अपना पैसा गरीबों में नहीं बांटा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु से कहते हैं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोग में होगा। लेकिन अब यहां पर सोचने की बात यह है कि अगर यह इंसान जो क्रिमिनल है, जो सच में हकदार है कि उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए, मारा जाए, अगर यह इंसान बच जाता है, नहीं मरता है, क्रूस से उतार दिया जाता है, लेकिन अब उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, उसके ऊपर विश्वास कर लिया है, तो जब यह क्रूस से नीचे उतरता है तो क्या यह इंसान जाकर बपतिस्मा नहीं लेगा? डेफिनेटली वो जाएगा, बपतिस्मा लेगा। यह इंसान का किसी चर्च का किसी फेलोशिप का हिस्सा नहीं बनेगा, वो डेफिनेटली जाएगा, फेलोशिप का हिस्सा बनेगा, क्योंकि वो चाहता है कि इस यीशु के बारे में मैं और जानूं, अनंत जिंदगी के बारे में मैं और जानूं, पाप के ऊपर जीत कैसे पानी है इसके बारे में मैं और जानूं। क्या वो किसी कम्युनियन का हिस्सा नहीं बनेगा? वो डेफिनेटली होली कम्युनियन का हिस्सा बनेगा, प्रभु भोज लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रभु यीशु की एक आज्ञा है जो मुझे पूरी करनी है। वो एक ऐसी जिंदगी जिएगा जो कि वो पहले नहीं जी रहा था, वो एक बदली हुई चेंज्ड लाइफ मसीह यीशु में जिंदगी को गुजारेगा। क्यों? क्योंकि वो एक नई सृष्टि बन चुका है, अब वो पहले जैसे अपराध नहीं करेगा। तो यहीं से सारा फर्क शुरू होता है कि जब हम मसीह में हैं, मसीह यीशु में हैं, तो यस हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे जब तक हम जिंदा हैं। ये जिंदगी हम मसीह यीशु के लिए गुजारेंगे, प्रभु यीशु की महिमा के लिए गुजारेंगे, प्रभु यीशु की तरह गुजारेंगे। May God bless you. Please share the message.